करते हैं अगली बड़ी खबर की ओर जो आ रही है जयपुर से, जहां जयपुर के बनी पार्क में 16 घंटों में दो महिलाएं और दो पुरुष टंकी पर चढ़ गए। वंचित विद्यार्थी मित्र चढ़े हुए हैं टंकी पर, बड़ी संख्या में बेरोजगार विद्यार्थी मित्र मौके पर मौजूद रहे। आपको बता दें 16 घंटों के अंदर ये घटना हुई है। मौके पर पुलिस और सिविल डिफेंस के जवान भी तैनात हैं। आपको बता दें बनी पार्क इलाके में 16 घंटे में दो महिलाएं और दो पुरुष टंकी पर चढ़ गए। वंचित विद्यार्थी बेरोजगार विद्यार्थी मित्र वहां मौजूद रहे। मौके पर पुलिस और सिविल डिफेंस के जवान तैनात हो गए। अपनी मांगों को लेकर के प्रदर्शन करने की नियत से ये टंकी पर चढ़ गए। इनकी कोई बात जो ये पहुंचाना चाह रहे होंगे इसको लेकर के वहां पहुंचे हैं। उस मौके पर बेरोजगार विद्यार्थी भी मौजूद रहे और जैसे ही ये घटना हुई, जैसे ही 16 घंटे के अंदर दो पुरुष और दो महिलाएं चढ़े, वहां पर सिविल डिफेंस और पुलिस का जाब्ता पहुंच गया ये सुनिश्चित करने के लिए कि कहीं कोई अप्रिय घटना ना हो जाए, कहीं ये लोग कुछ ऐसा ना कर बैठे जिससे उनको नुकसान पहुंचे, आसपास वालों को नुकसान पहुंचे। अपनी बातों को लेकर के कभी कभार जब व्यक्ति को नहीं समझ में आता तो आजकल ये एक शायद चलन हो गया है टंकी पर चढ़ना। अपनी मांगों को लेकर अक्सर ऐसा देखा जाता है कि टंकी पर जाकर के प्रदर्शन करते हैं, अपनी मांगे मनवाने की कोशिश करते हैं। ये घटना जयपुर के बनी पार्क इलाके की, जहाँ 16 घंटे में दो महिला और दो पुरुष टंकी पर चढ़ गए और मौके पर पुलिस तैनात है, सिविल डिफेंस के लोग तैनात हैं। दो महिलाएं चढ़ गई, दो पुरुष चढ़ गए, वंचित विद्यार्थी मित्र चढ़े हुए हैं इस पर, जहां पर शायद बेरोजगारी को लेकर के, नौकरी को लेकर के अपनी बात सामने रखना चाह रहे होंगे। और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी लोकेश ओला इस लोकेशन से लाइव हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आइए इनसे जानते हैं कि क्या चल रहा है, क्यों ये इस तरह की काम कर रहे हैं। लोकेश, क्या है पूरा मामला, किस तरह से टंकी पर चढ़ गए, क्या मांग है इनकी? देखिए, नए संविधान नियमों में मांग शामिल करने की मांग को लेकर विद्यार्थी मित्र के लगातार पहले से ही मांग चल रही थी और कल धरना भी दिया गया था, लेकिन धरने के बाद अचानक कलेक्टर सर्किल के पास स्थित पानी की टंकी के ऊपर विद्यार्थी मित्र चढ़ गए थे। करीब 16 घंटे से अधिक का समय हो चुका है जिनको अभी यहाँ टंकी पर चढ़े हुए। तस्वीरें यहाँ लाइव दर्शकों को दिखाना चाहेंगे। जो विद्यार्थी मित्र है, दो महिला और दो पुरुष विद्यार्थी मित्र, जो वंचित विद्यार्थी मित्र है, जो लगातार सरकार से अपनी, लोकेश एक बार बताइए विद्यार्थी मित्र जो है इनकी क्या भूमिका होती है, किस तरह से लोगों के लिए काम करते हैं, क्या है इनका रोल? देखिए, स्कूलों में संविदा के ऊपर जिनको लगाया गया था और साथ ही पंचायतों में जो काम करने के लिए सहयोगी के रूप में सरकार की ओर से लगातार पहले से ही इनको शामिल किया गया था, हर साल इनको एक्सटेंशन दिया जा रहा था। साथ साथ अब जो संविदा पे नहीं रखकर सरकार की ओर से जो नए सेवा नियम, जो संविदा सेवा नियम बनाए गए थे, इसमें इनको शामिल करने की मांग लगातार की जा रही थी, लेकिन लगातार बीते दो साल से इनकी मांग को पूरा नहीं करने और लगातार आंदोलन करने के बाद भी सरकार की ओर से इन्हें नियमित नहीं किया गया और नए सेवा नियमों में शामिल नहीं किया गया था। इसी मांग को लेकर लगातार पहले से भी धरना प्रदर्शन इनकी ओर से किया गया था और साथ साथ बीते दिनों मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के जन्मदिन पर रक्तदान शिविर करके भी इन्होंने अपने लोकेश आसपास और काफी नारों की आवाज आ रही है। कौन कौन लोग मौजूद हैं, कितना, किस संख्या में लोग वहां मौजूद हैं, एक बार हमारे दर्शकों को दिखाएं कि क्या चाह रहे हैं, ये क्यों नहीं कह रहे उनसे नीचे उतरने के लिए, खतरा हो सकता है उनकी जान को इस बात से? देखिए, बिल्कुल बात करें तो जो अन्य जो विद्यार्थी मित्र है वो भी यहाँ बड़ी संख्या में यहाँ रुके हुए हैं और सरकार से नियमितीकरण की मांग कर रहे हैं। हम उनसे भी बातचीत करेंगे, किस तरह से आवाज सरकार के सामने मांग होता है। आप लोगों ने लगातार आंदोलन किया, आज आपके कुछ साथी टंकी पर भी चढ़े हुए हैं। सर, राजस्थान के बेरोजगार वंचित विद्यार्थी मित्र हैं, जो 6500 विद्यार्थी मित्र हैं, कांग्रेस पार्टी के जन घोषणा पत्र 2018 में तत्कालीन प्रदेश अध्यक्ष सचिन पायलट जी ने हमसे वादा किया था कि जब भी कांग्रेस का राज आएगा, राजस्थान के जो विद्यार्थी मित्र हैं जिनका पंचायत सहायक भर्ती में भाई भतीजावाद के चलते चयन नहीं हुआ, उसमें आरक्षण के नियमों का प्रावधान नहीं किया, जिससे 50% महिलाएं पीछे रह गई, 4% दिव्यांग रह गई, एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटी वर्ग के, दबे कुचले वर्ग के, ग्रामीण परिवेश के, किसान परिवार के बच्चे हैं हम, और आज हम सरकार में 8 साल से बेरोजगार घूम रहे हैं। हमने अभी मुख्यमंत्री जी के जन्मदिवस पे 3 मई को विशाल रक्तदान शिविर आयोजित किया था सिविल लाइन्स में, और हमसे प्रताप सिंह जी खाचरेवास ने बिल्कुल कहा था कि
हम आपकी कैबिनेट में बात रखेंगे। धर्मेंद्र जी राठौड़ ने भी टंकी पे चढ़कर आंदोलन करने का कौन सा तरीका है सर? टंकी पर चढ़ने का आंदोलन करने का तरीका यह है कि हमने सरकार से गांधीवादी तरीके से बहुत बार 4.5 साल तक गुहार लगाई, लेकिन कांग्रेस सरकार ने अभी सुनवाई नहीं की। हमारे अधिकांश साथी इसमें कांग्रेस पार्टी कार्यकर्ता, कुछ लोग सेवा दल के हैं, कुछ एनएसओ के। शिक्षा सहायक की भर्ती 2013 में निकाली, उसको निरस्त किया, फीस डकार गए। विद्यालय सहायक थी उसमें डकार गए। पंचायत सहायक में धांधली की। अब नगर पालिका में जो प्रभावित हुए थे, अधिशेष हुए, उनको सेवा नियम जो 2022 बनाई संविधान उसमें कंसिडर करके उड़ा दिए। इसके अलावा संतान में छूट दी है, उम्र में दी है। तो हम सरकार से पूछना चाहते हैं कि वंचित विद्यार्थी मित्र है, उनसे आपकी कोई दुश्मनी है क्या? वंचित विद्यार्थी मित्र है जो लगातार सरकार से मांग कर रहे हैं, नई जो संविधान सेवा नियमों में मांग कर रहे हैं। आप लोगों ने भी लगातार आंदोलन किया, और बात करें तो जिस तरह से अब तक आपने धरना प्रदर्शन भी किया, कौन कौन सी मांगों के ऊपर सरकार ने बातचीत रखी और किस किस से आपकी वार्ता हुई? सर प्लीज कम ऑन। ये विद्यार्थी मित्र हैं जो जिन्होंने लगातार अपनी मांग रख रहे थे और सरकार से आग्रह कर रहे थे, जो गांधीवादी तरीके से उन्होंने आंदोलन किया और आखिर में अब जो रास्ता है वो जी लोकेश, इन्होंने बताया, इनको आश्वासन दिया प्रताप सिंह खाचरियावास ने भी, इनको आश्वासन दिया और इनसे ये वादा सचिन पायलट ने किया था, तो दोबारा जाकर बात क्यों नहीं करते? टंकी पर चढ़ना और इस तरह से प्रदर्शन करना, क्या फायदा मिलेगा इससे? देखिए बिल्कुल जिस तरह से आंदोलन का जो इन्होंने रुख अपनाया टंकी पे चढ़ने का, तस्वीरें आपको यहाँ दिखाना चाहेंगे कि जो अचानक कल शाम को जहाँ विद्यार्थी मित्र आए और अचानक से उन्होंने एक आंदोलन का अलग रुख अपनाया, टंकी पर चढ़े और उसके बाद प्रशासन की ओर से भी समझा इसका प्रयास किया गया। सिविल डिफेंस की टीम यहाँ तैनात की गई, जो नेट और अन्य जो सामग्री है, उपकरण है, वो यहाँ लेकर आए, लेकिन अभी तक उन्होंने लगाया नहीं, अभी तक शायद कुछ हो नहीं पाया है। आप इस खबर के ऊपर अपनी नजर बनाए रखें लोकेश, दोबारा जुड़ेंगे और आपसे अपडेट लेंगे कि क्या कुछ इसका हल निकला या नहीं। फिलहाल तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।